सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्वामैन के फर्स्ट लुक के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने एक्वामैन का काम जस्टिस लीग मूवी में देखा जो मुझे काफी पसंद आया। आई होप एक्वामैन का काम आपको जस्टिस लीग मूवी में भी काफी पसंद आया होगा। तो अब इसको लेकर अपडेट ये आया है कि इस फिल्म की फर्स्ट लुक आ गई है जो कुछ इस तरीके की दिखती है। वेल, ये फर्स्ट लुक काफी कूल है, लेकिन बैकग्राउंड की बात करें तो समझ ये नहीं आ रहा है कि असल में ये सीन कहां का है। लेकिन जहां तक हो तो इस सीन को देखकर ये लगता है कि शायद ये सीन मैन ऑफ स्टील का है। जी हां, अब चौंकिए मत कि ये सीन मैन ऑफ स्टील का कैसे हो सकता है। तो मैं आपको याद दिला दूं, ये सीन तब का होगा जहाँ पर सुपरमैन सभी को ऑयल स्टेशन से बचाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सीन तब का ही होगा और इससे ये साफ हो जाएगा कि एक्वामैन ने ही सुपरमैन की मदद की थी इस सीन में। और बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे हिसाब से शायद वो कोई एटलांटिस ही होगा या फिर वो एक आम इंसान हो सकता है। और अगर दूसरे नजर से इस इमेज को देखे तो शायद ये फिल्म का एंड का सीन होगा। खैर, जो भी हो, ये इमेज काफी अच्छी है और जेसन मोमोवा एक्वामैन के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही साथ इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वॉन्ग ने ये भी कहा है कि इस फिल्म में हमें एक्वामैन की पूरी ओरिजिन पता चल जाएगी। जी हाँ, इस फिल्म में हमें ये बताया जाएगा कि एक्वामैन कहाँ से आया था, यानी ये फिल्म एक्वामैन के बचपन से स्टार्ट होगी कि कैसे वो पूरे अटलांटिस का राजा बनता है और उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। साथ ही साथ बात करें इस फिल्म के बारे में तो इस फिल्म में हमें काफी अच्छे सीन्स देखने मिलने वाले हैं अंडर वाटर के, जो हमने आज तक कोई भी मूवीज में नहीं देखी होगी। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव एक्शन मूवी की बात कर रहा हूँ, एनिमेशन फाइंडिंग निमो जैसी फिल्म की नहीं। तो अब आगे पता चल जाएगा कि ये फिल्म कैसी है जब इस फिल्म का ट्रेलर आएगा। हालांकि इस फिल्म को रिलीज होने के लिए काफी टाइम है और 2018 में डीसी की सिर्फ यही एक फिल्म रिलीज होगी। तो अब डीसी का पूरा फ्यूचर एक्वामैन मूवी पर बेस है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।